dear family. Today we are going to learn about good habits. Good habits means achhi aadatein. So let's start with our book number 2 with the page number 86. Now open your book number 2 with page number 86. On page number 86, we are able to see good habits. Good habits. Read aloud with me. Okay? Get up early in the morning. यानी में हमें बहुत जल्दी उठना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी भी रहती है. Get up early in the morning. जो गुड बॉय और गुड गर्ल होते हैं, वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी यानी अर्ली उठते हैं, है ना? यस. द नेक्स्ट इज ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे. हमें डेली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, 1 मॉर्निंग में उठते से ही और नाइट में स्लीपिंग करने से बिफोर, है ना? यस. ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे. हम ब्रश ट्वाइस अ डे करेंगे तो हमारे टीथ भी हेल्दी और स्ट्रांग होंगे, उसमें कैविटीज नहीं होंगी. द नेक्स्ट इज टेक अ बाथ एवरी डे. यानी बाथ यानी नहाना. हमें रेगुलरली यानी रोज बाथिंग करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्लीन और हेल्दी होगी और सारे जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज कोम हेयर. यानी हमारे हेयर्स को रेगुलरली कोम करना चाहिए ताकि वो डर्टी ना हो और हम ब्यूटीफुल दिखे. ओके. कोम हेयर. द नेक्स्ट वन इज वियर क्लीन क्लोथ्स. यानी बाथिंग करने के बाद हमें क्लोथ्स कैसे पहनना चाहिए, क्लीन वाले, वॉश किए वाले, जिससे हम लोग प्रीटी और स्मार्ट दिखे. राइट. गुड. वियर क्लीन क्लोथ्स. ओके. द नेक्स्ट वन इज क्लीप नेल्स रेगुलरली. इसका मतलब हमें हमारे नेल्स को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें कट करते रहना चाहिए, क्योंकि नेल्स में मिट्टी, कीटाणु और गंदगी हमारे हाथों से स्टमक में एंट्री करते हैं और हम इल यानी बीमार हो जाते हैं. तो इसीलिए बार बार हमें हमारे नेल्स को कट करना चाहिए. क्लिप नेल्स रेगुलरली. ओके. इसका ही मतलब होता है कट योर नेल्स रेगुलरली. ओके. द नेक्स्ट वन इज प्ले एंड एक्सरसाइज एवरी डे. इसका मतलब हमें शाम के समय यानी इवनिंग में प्ले करना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल मूवमेंट से हम लोग स्ट्रांग और हेल्दी होंगे और कभी बीमार भी नहीं होंगे. प्ले एंड एक्सरसाइज एवरी डे. वेरी गुड चिल्ड्रन. द लास्ट वन इज वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग वॉशरूम. यानी जब भी हम टॉयलेट या पॉटी के लिए वॉशरूम में जाए तो हमने बार बार हमारे हैंड्स को वॉश करना है ताकि जर्म्स हमारे स्टमक में या बॉडी में एंट्री ना करें और हम बीमार ना हो. ओके. अभी आप लोगों को आज से डेली वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम करना भूलना भी नहीं है. ओके. नाउ लेट्स रिपीट आफ्टर मी. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Brush teeth twice a day. Take a bath daily. Comb hairs regularly. Wear clean clothes. Cut your nails regularly. Play and exercise every day. Wash your hands before and after using washroom. सभी पॉइंट्स को आपको डेली रिवाइज भी करना है और अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है, यानी फॉलो भी करना है. ओके. I hope you all understood the concept of good habits. Kids, always remember these good habits. Okay? Bye-bye. See you soon.